नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता मेरा परिवार है, मेरे मन में अंत्योदय का भाव है और हम कमजोर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए कार्य करेंगे। प्रदेश में जल्द ही परमार्थी परिषद बनाई जाएगी जो कि समाज सेवा का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त के आसपास जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की जाएगी और इसके बाद विजय संकल्प रैली निकाली जाएगी। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। पिछड़ गया, दब गया, जिनको जातिगत कारणों से तथा अन्य कारणों से समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयत्न उन्होंने किया, उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। आज एक और भी महत्व है, 6 जुलाई वो संयोग से 6 जुलाई है क्योंकि वार के साथ जुड़ी हुई है और आज वो वार 6 जुलाई को आया है, वो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस दुनिया में ये मनाया जाता है और जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है, तो आज जुलाई माह का पहला शनिवार है, संयोग से 6 जुलाई है। तो आज इस सहकारिता दिवस पर भी मैं देश और दुनिया के वो सब लोग जो निस्वार्थ भाव से काम करके अपने साथियों के साथ मिलकर सबके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और काम करते हैं, ऐसे वो लोग समाज में, अधिकतर लोग स्वार्थवश अपना अपना काम करते हैं, मेरा भला होना चाहिए, लेकिन ये सहकारिता में भागी लोग, ये लोग परमार्थी होते हैं, अपना ही नहीं तो एक सामूहिक हित के नाते से सबका भला होना चाहिए, ऐसे दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस सहकारिता के अंतर्गत काम किया है। हम हमेशा नए विजन के साथ आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत से नए विजन के साथ आए हैं, लोगों की आदतें जहां बिगड़ी उसको ठीक करने के लिए भी आए हैं, लोगों को भविष्य के बारे में जो चिंता नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान भविष्य की चिंता का अभियान है कि अगर लगातार जेंडर रेशियो बिगड़ती रही तो कल को समाज के अंदर अनैतिकता फैलेगी, समाज का संतुलन बिगड़ेगा। उस अभियान को लिया और मैं खुशी से आपको बताना चाह रहा हूं, हरियाणा से लिया, हरियाणा ने सफल एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए, जो पहले 800 के आसपास हमारी जेंडर रेशियो थी 2014 में, अब वो बढ़ करके मासिक 2933 हो गई है और वर्ष भर की भी 914 के ऊपर आ गई है। इतना बड़ा गेन कभी भी जेंडर रेशियो में नहीं हुआ। तो मित्रों, हम कई नई योजनाएं दिमाग में हैं। कल ही हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम से किसानों के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। बहुत कठिनाइयां उनको होती थी, कहीं मुआवजा लेने में, कहीं वित्तीय सहायता लेने में, कहीं बैंकों के साथ कठिनाई आ गई, कहीं मंडी में बेचने के लिए कठिनाई आ गई, किसी के नाम से कोई और बेच गया, या इन किसानों के नाम बाहर के प्रदेशों के लोग आकर के बेच गए। हमने कहा हम दाना दाना खरीदेंगे तो उसमें तकलीफ क्या होती थी कि हम तो खरीदना शुरू कर दिया, बाजरा हमने सारा खरीदा, सरसों हमने सारी खरीदी, सूरजमुखी हम सारी खरीद रहे हैं, लेकिन कमाल तब होता है कि मंडियां कहती हैं सारा अनाज आ गया, जितना लोगों के पास था सब आ गया, 3 दिन बाद फिर किसान आके खड़ा हो जाता है, मेरी सरसों तो नहीं बिकी, मेरी सूरजमुखी तो नहीं बिकी। लगता क्या है, आसपास के पड़ोसियों के प्रदेश वहां बिक्री होती नहीं है, वो वहां से ला ला करके, अब चूंकि पूरा दाम मिलता है, कहीं 500 रुपया क्विंटल, कहीं 1000 रुपया क्विंटल ज्यादा दाम मिलता है, वो सारी मंडियां फिर भर जाती। तो इसका इलाज ये निकाला है कि हम हरियाणा के किसान के प्रति हम संजीदा हैं, उसका एक एक दाना बिकना चाहिए, लेकिन किसी भी व्यापारी के माध्यम से, किसान के माध्यम से या किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से बाहर का किसान इसका लाभ उठाए और हरियाणा सरकार को उसको वजन सहना पड़े, ये हम नहीं करेंगे मित्रों, नहीं करेंगे, हरियाणा के किसान का भला करेंगे। इसलिए मेरी फसल मेरा बारा में सारी जानकारियां किसान भरेगा, 1 महीने का समय उसको हम देते हैं अपने अपनी फसल, क्योंकि अब आज से लेकर के 31 जुलाई तक जो बोया गया और किसी ने कुछ नहीं बोना, खाली है तो भी रजिस्टर करके आओ, फसल है तो भी करके आओ, और उसके अगले 1.5 महीने में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग और साथ में रेवेन्यू, पटवारी लोग, ये सब मिलकर के अपने अपने तरीके से उसकी गिरदावरी करेंगे या उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे।
और कोई गलत होगा तो पकड़ा जाएगा। अब से पहले शिकायतें मिलती थी कि पटवारी लोग क्या करते हैं, गिरदावरी करते हैं, लेकिन वो खेत में ना जा करके खटिया गिरदावरी करते हैं। खटिया गिरदावरी समझते हैं, खाट खाट पर बैठकर चार लोगों को बुलाया, पूछा भर दिया, पूछा भर दिया, कोई गलत कोई ठीक चलता रहता, पकड़ में नहीं आता। अब तीन डिपार्टमेंट करेंगे और तीनों डिपार्टमेंट करने के बाद सैटेलाइट से की मेजरी होगी, सैटेलाइट की मेजरी के बाद उसको फिक्स किया जाएगा कि इन तीनों की गिरदावरी ठीक है कि नहीं है, तब आएंगे पकड़ में। भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी कुछ सिस्टम बनाने पड़ते हैं, तो बहुत सिस्टम ने बनाए हैं और भी बना रहे हैं। आने वाले समय में एक और नया हम प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर ला रहे हैं फैमिली आईडी का, अभी तक केवल आधार कार्ड है। कल प्रधानमंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी कि अब इनकम टैक्स की रिटर्न चाहे पैन नंबर से भर दो और चाहे आधार कार्ड से भर दो, दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिया, दोनों में से एक नंबर दे दो, आपका सारा खाता बही खाता आप उसमें भर सकते हो और आप बिल्कुल सुरखुरु हो सकते हो, हमने जो कमाया वो बताया। आज पारदर्शिता लोगों को भी लानी पड़ेगी, जो हम कमा रहे हैं वो बताना पड़ेगा। अब बिना बताई कमाई किसी काम ना आई, बिना बताई कमाई किसी काम ना आई, अंदर पड़े पड़े सड़ जाएंगे नोट। तो इसलिए जैसे आधार कार्ड एक व्यक्ति का होता है, ऐसे फैमिली आईडी एक परिवार की होगी। उस परिवार में कितने मेंबर हैं, किसका कौन रिश्तेदार क्या है, ये सब जानकारियां, बच्चे पढ़ाई वाले कितने हैं, कमाने वाले कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, स्वास्थ्य की जानकारी, उनकी सब इनकम की जानकारी, और फिर उनमें जो सहायता जिसको चाहिए उसी में से देख लेंगे, उसको आने की जरूरत नहीं है। अगर हमको लगा है कि 1,80,000 साल की कमाई के नीचे के लोगों को ये सहायताएं देनी है, अपने आप लिस्ट निकाल लेंगे, वो सहायता उनके घर भेज देंगे, किसी को आने की जरूरत नहीं है।